शाम की छोटी भूख के लिए आज हम बनाने जा रहे हैं सुपर हेल्दी स्नैक्स। गेहूं के आटे से बने हुए ये नॉन फ्राइड स्नैक्स आपको बहुत पसंद आएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से तवे पर बहुत आसानी से बेकिंग कर सकते हैं। मिनटों में तैयार हो जाने वाले ये स्नैक्स आपके फेवरेट हो जाएंगे। इन ऑनियन क्रैकर्स को बनाने के लिए हमने 1 टेबल स्पून में मैदे का यूज नहीं किया है एंड सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल में ये बने हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी एंड क्रंची ये निकल कर आए हैं। आसानी से आप तवे पर भी इसे बेक करके बना सकते हैं। इसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, अनुशास किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल पे और प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन क्रैकर्स को बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा, थोड़े से धनिया के पत्ते काट के ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है तिल, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, थोड़ा सा नमक, 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा प्याज काट के लिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, जीरा और लिया है 2 टेबल स्पून दही। तो हमें सबसे पहले गेहूं के आटे में दही और ऑयल मिला लेना है। यहाँ पे आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ तो इससे ये बहुत ज्यादा हेल्दी बन जाता है। आप अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं या तो आप इसमें घी का भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेवरिंग के लिए चीजें इसमें ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून हमने तिल ले लिया है। तिल भी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। आप यहाँ पे अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं। जो भी टेस्ट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जो भी आपको डालना है आप इसमें फ्लेवरिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। ऑनियन का बहुत ही प्रोमिनेंट टेस्ट हमने इसमें ऐड किया है, उससे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसको एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये बनकर के तैयार हो जाते हैं एंड इसे आप 2 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी यूज करेंगे हम एंड सख्त सा आटा इसका बनाएंगे। हल्का गुनगुना पानी हमें इसमें यूज करना है। बहुत ज्यादा गर्म पानी यूज करेंगे तो आप इसको बांध नहीं पाएंगे एंड ठंडे पानी से बेटर होगा कि आप हल्का गुनगुना पानी यूज करें। देखिए, इस तरीके से हार्ड डो हमें तैयार करना है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो काफी अच्छे से एनहांस हो जाए एंड आटा भी सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट के बाद एक बार इसे और अच्छे से इस तरीके से इवन आउट कर लेंगे। इन क्रैकर्स को आपको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। काउंटर टॉप में आप इसे आराम से रख सकते हैं। थोड़ा सा डो लेके हल्का सा इसे प्रेस करके इवन आउट करेंगे एंड बेलन की सहायता से इसे लंबा सा बेलते जाएंगे। इस डो को आपको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज्यादा मोटा रखना है। हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है तो ये हल्का सा फूलेगा भी। देखिए, इस तरह की थिकनेस हमें रखनी है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं है। ये काफी क्रिस्पी से क्रंची से बनकर तैयार होते हैं। इस तरह का कटर है मेरे पास, ये नॉर्मली दिवाली में यूज करते हैं हम लोग। एक गुजिया बनाने के लिए यूज होता है। आप इसकी जगह पिज्जा कटर का भी यूज कर सकते हो या तो आप नॉर्मल नाइफ का भी यूज कर सकते हो। ये इस तरीके से मैंने इसके स्क्वायर पीसेस के, आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, कट कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप तवे पर किस तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की थिकनेस आपको रखनी है। आपको ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला करना है। इस तरह की थिकनेस एकदम परफेक्ट है। बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे तो वो अच्छे से पक नहीं पाएगा। तवे को आप 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट कर लीजिए। उसके बाद भी क्रैकर्स इसमें बिछा दीजिए। आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। 160 डिग्री पे इसे बेक कीजिए 11 मिनट के लिए। उसके बाद पलट कर और 11 मिनट के लिए इसे बेक कर लीजिए। आप तवे पे बेक करते हैं तो इस तरीके से मॉइस्चर आ जाता है। आप लिड को उठाकर अलग कर दीजिए, मॉइस्चर चला जाएगा। एक बार हमें इसे पलटना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से ये सिके।
ये बहुत गर्म है तो आप बहुत सावधानी से ये प्रोसेस कीजिए, या तो आप एक चिमटे से इसको कर दीजिए। एक बार फिर से मैंने इसे पलट कर पका लिया है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका तवा मोटा होना चाहिए। अगर आपका तवा पतला है तो उसके नीचे आप एक और कुछ बर्तन रखिए, तब इसे बेक करिए। प्लेट पर निकाल के इसे ठंडा कर लिया है एंड देखिए ये कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। कोई बोलेगा नहीं आपने ये बिना फ्राई करके बनाए हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।